So I brought a video for you today for everyone, because many students have commented that they need a proper book list video of every subject. तो उनको सारे subject के लिए एक book list का video चाहिए, तो इसीलिए मैं ये video ला रही हूँ. और ऐसे मैं और भी videos लाऊंगी. मैंने कुछ दिन पहले ancient history का भी cover किया था, बहुत पहले मैंने polity का भी मैंने cover किया था. वो सारे videos भी आप लोग मेरे channel में checkout कर सकते हैं. उसके अलावा guys please channel को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कर दीजिए, ताकि और भी book list के videos आपको मिलते रहे. तो गाइस इफ आई स्टार्ट फॉर द ज्योग्राफी, देन आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद द फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट. उसमें क्लास 11 की जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसकी फोटो आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये किताब मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड बुक. आपको इस किताब को छोड़ना नहीं चाहिए. इस किताब से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स पे आए हैं. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल ज्योग्राफी. इसके अलावा एक टॉपिक है ऑन द वर्ल्ड क्लाइमेट. आई थिंक दैट टॉपिक इज नॉट वेरी मच, तो वो अच्छे से इस किताब में कवर्ड नहीं है. दैट इज़ नॉट कवर्ड वेरी नाइसली और इन अ वेरी प्रॉपर मैनर इन द एनसीईआरटी. तो फॉर दैट रीज़न आई थिंक यू कैन कवर द दैट टॉपिक फ्रॉम द जीसी लियोंग बुक. तो अगर आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ आप लोग जीसी लियोंग को भी कवर कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए. उसके अलावा गाइस और एक किताब है ऑफ द स्टडी आईक्यू आईएएस की. तो ये किताब मैं नहीं बोलूँगी आप लोग फॉलो करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे ना हो सकते हैं. लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जीसी लियोंग ना फॉलो करें, कोई और किताब फॉलो करें जहाँ पे मतलब इस किताब को आप जीसी लियोंग से ज़्यादा अच्छा किताब तो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स को मेंस के लिए आपको मदद बहुत ज़्यादा मिल सकती है, आंसर राइटिंग के लिए मदद मिल सकती है. फॉर दैट रीजन दिस इज अ गुड बुक. नाउ आई एम कमिंग टू अदर सोर्सेज. दिस इज द फोर एनसीईआरटीज. ये तो मैंने आपको फोटो में दिखाया, और ये आपको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ मतलब इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट को पढ़ा. तो लाइक यू हैव टू आल्सो रीड दिस टू बुक्स गाइस. ये दोनों बुक तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िए. गो थ्रू दिस टू बुक्स. लेकिन अगर आप लोग देखें तो ये दोनों बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन मैं इन दोनों बुक के लिए, अगर आप लोग दो एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, पढ़ सकते हैं. लेकिन आई थिंक दिस बुक और इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाता है पीएफआईएस के साइट में, टेलीग्राम में, बहुत जगह पर फ्री पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं. बट दिस बुक इज ऑल्सो अवेलेबल इन अमेजॉन और ऑल्सो इन पी एफ आई साइट ऑल्सो. दिस इज अ बुक ऑफ पी एफ आई एस. ओके, दिस इज द पब्लिकेशन. एंड द थिंग इज दैट व्हाई आई एम रेफरिंग दिस बुक इज दे कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. दिस बुक कवर्स एनसीईआरटी, मैप्स ऑफ एनसीईआरटीज, एंड ऑल्सो जो भी मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल. तो अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये लगा. दिस इज अ बुक ऑफ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी बाय पी एफ आई एस ओनली. तो ये भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं विद इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक. इंडियन ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी बुक है उसको आप लोग पढ़िए, उसके साथ साथ आप इसको कवर कर सकते हैं. क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी बुक है आपको वो प्रीलिम्स के लिए बहुत फैक्चुअल लग सकता है. लेकिन इफ़ यू आर कंसीडरिंग मेंस, देन आई थिंक यू नीड अ गुड बुक जिसमें चीज़ें थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव वे में दिए हुए हैं मेन्स आंसर राइटिंग के फॉर्म में, तो आप लोग इसको कवर कर सकते हैं. नाउ आई एम कमिंग टू द अदर पार्ट्स, दैट इज एटलास. अगर आप कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हो, इंडियन हो, आपको एटलास की जरूरत जरूर पड़ेगी. तो प्लीज़ गाइज एटलास को मतलब फॉलो कीजिए. कोई आप ऑक्सफोर्ड को, ओरियन ब्लैकस्टोन को फॉलो कीजिए. उसके साथ गाइज मैं टीचर्स के नाम मतलब बोलना चाहूँगी, दैट इज़ सुदर्शन गुर्जर. उनके आप देख सकते हैं कि ऐसे वर्ल्ड मैपिंग के प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में फ्री में. तो उनके इस प्लेलिस्ट से आप लोग वर्ल्ड मैपिंग को ईजिली कवर कर सकते हैं. उसके साथ साथ आप लोग एटलास को भी रख सकते हैं. तो मुझे लगता है फिर वर्ल्ड मैपिंग आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा. और ऐसे बहुत सारे, जैसे कि देखिए फिजिकल ज्योग्राफी का भी उन्होंने अच्छे सीरीज चलाई है यूट्यूब में, वो भी आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं. इनके बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल हैं, अन अकेडमी में भी फ्रीली अवेलेबल है. तो वो दोनों जगह से आप लोग इनके फ्री क्लासेस देख सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी, मतलब फिजिकल हो, इकोनॉमिक हो, एवरीथिंग ही कवर्स वेल. नाउ आई एम कमिंग टू दिस बुक. दिस इज ऑल्सो बाई पी एफ आईस का फिजिकल ज्योग्राफी का बुक है. तो गाइज मैं यही बोलूंगी, अगर लास्टली मुझे पूछा जाए, मैंने आपको सारी किताब दिखा दी. मुझे अगर आप लोग अगर मेरी सजेशन चाहे तो अगर तो मैं तो यही बोलूंगी, अगर आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो दो एनसीईआरटीज है क्लास 11 के, टू एनसीईआरटीज एंड पी एम एफ आई एस टू बुक्स, ये पहली आपकी अध्याय होना चाहिए. टू बुक्स मतलब एक तो ये इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी ये दिस वन फिजिकल ज्योग्राफी. ये दोनों आपकी होनी चाहिए आपके साथ, और ये दो एनसीईआरटीज आपके साथ होनी चाहिए, दिस टू एनसीईआरटीज. आफ्टर दैट आप ये वाला ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए इस किताब को फॉलो कीजिए. ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए अगर बात किया जाए तो ओनली पी एफ आई एस विल डू.
वर्ल्ड मैपिंग के लिए आप लोग सुदर्शन सर का प्लेलिस्ट देखिए और एटलास फॉलो कीजिए, मैप पॉइंट कीजिए. आई थिंक दिस इज मोर ऑर लेस गुड फॉर ज्योग्राफी. लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पीएफएस ना पढ़ूँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ूँ, उसके साथ साथ मैं आप लोग जिस लिए को फॉलो कर सकते हैं तो वो भी काफ़ी है. मैं ये नहीं बोल रही कि वो काफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप एनसीईआरटीज को थोड़ा सा प्लेलिस्ट बस ले सकते हैं अगर आप लोग बेसिक प्रिपरेशन पीएफएस से कर रहे हैं तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को फिर आप प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं. थैंक यू गाइज, इतना ही था. कोई डाउट है आप लोग कमेंट कीजिए. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहाँ पे भी मैं आपको आपसे बात कर सकती हूँ थ्रू मैसेजेस, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकती, सारी बात मैं डिस्कस नहीं कर सकती. तो प्लीज़ गाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा. थैंक यू गाइज़.